बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा, प्रोग्राम प्ले ऑन आरपी न्यूज के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त वर्ल्ड कप का जोश जुनून हर तरफ जारी है। वर्ल्ड कप के हवाले से आपको एक फैक्ट शेयर करता जाऊं। नाजरीन, जो वनडे वर्ल्ड कप होते थे पहले, उसमें पहले 60 ओवर्स हुआ करते थे और 1983 तक जितने भी वर्ल्ड कप खेले गए उसमें 60 आवर्स होते थे। उसके बाद फिर 50 आवर्स में कन्वर्ट किया गया और फिर वर्ल्ड कप में 50 आवर्स रहते थे। इस वक्त वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है T20 और पाकिस्तान स्क्वाड मुसलसल एक कशमकश के शिकार रहा है। स्टार्ट में जैसे ही पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान किया गया तो उसमें थोड़ी मुश्किलात हुई, थोड़ी एक क्रिटिसिज्म हुआ। आज हमारे पास क्रिकेट एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर असलान साहब। असलान साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। तो इनसे हम बात करेंगे क्रिकेट की इस स्क्वाड के हवाले से जो वर्ल्ड कप के लिए फाइनल हुआ, क्योंकि लास्ट डेट थी 2 दिन पहले और एंड पे ही फैसला किया गया शोएब मलिक के हवाले से। और आपको पता है सुहेब मकसूद को थोड़ा सा इंजरी का इशू था और वो नेशनल T20 में भी 2-3 मैचेस से अपेयर नहीं हो रहे थे। तो शोएब मलिक का एडिशन कैसा है आपके ख्याल से? देखिए, शोएब मलिक को इंट्रोड्यूस करवाया गया, बहुत से उनके चाहने वाले भी हैं, बहुत से लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, इवन मीडिया ने भी उनको अच्छा खासा सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ मुझे हमेशा शिकायत रहती है अपने एक सिस्टम से कि जब वर्ल्ड कप आता है 2 साल बाद अगर T20 वर्ल्ड कप आए तो हमने 2 साल तक टीम को प्रिपेयर करना होता है। हमारे यहाँ 2 साल टीम चलती है एक, और 2 साल के बाद एट द लिंक ऑफ टाइम हमें लगता है कि हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं। जब हमें यह फील होता है कि हमारे पास कोई प्लेयर नहीं है रमीज, तो फिर हम देखते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब जैसे ही हमारा एक डोमेस्टिक चल रहा है टूर्नामेंट, उसमें शोएब मलिक ने बहुत अच्छी एक इनिंग खेली, 85 नॉट आउट माशाल्लाह। जैसे वो इनिंग खेली तो एक तरफ से शायकीन क्रिकेट का एक बहुत पुरजोर मुतालबा सामने आया कि इनको टीम में होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था कल कामरान गुलाम ने भी सेंचुरी एक जड़ दी T20 में। अगर एक सेंचुरी की बेस के ऊपर एक 85 नॉट आउट की बेस पे शोएब मलिक की सिलेक्शन हो सकती है तो फिर कामरान गुलाम की भी सिलेक्शन होनी बनती है। आज दो कि हमें पता है कि चूंकि टाइम गुजर चुका है, अब दोबारा चेंजेस नहीं हो सकते, चेंजेस तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारे सिस्टम पर हमेशा से एक सवालिया निशान रहता है कि हम जब भी नई मैनेजमेंट आती है वो ये कहती है कि हम प्लानिंग करेंगे, हम टीम तैयार करेंगे, हम वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करेंगे, और जब भी वर्ल्ड कप आता है तो हम ये दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि हमने किस प्लेयर को खिलाना है और किस प्लेयर को नहीं खिलाना। लेकिन शोएब मलिक के हवाले से आपको पता है एक फैक्ट ये भी है कि जब 2007 में T20 वर्ल्ड कप का स्टार्ट हुआ था, शोएब मलिक उस वक्त पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे और पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था। और अब मुसलसल जितने भी T20 वर्ल्ड कप हैं वो खेलते हुए आ रहे हैं और ये 6 गालबन T20 वर्ल्ड कप है जो शोएब मलिक खेलने जा रहे हैं। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एजेड प्लेयर होंगे जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे। और एक और मजे की बात यही है, ये आई है कि टीम में बहुत सारे प्लेयर ऐसे भी हैं कि जब शोएब मलिक ने कैरियर का स्टार्ट किया था तो वो पैदा भी नहीं हुए होते। बिल्कुल। और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 1 साल के थे, जिसमें आदम खान है और एक और खिलाड़ी है शाहीन अफरीदी है। बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन मतलब मैं ये चाहता हूँ कि सीनियर प्लेयर का भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है गेम में होने। देखिए, शोएब मलिक को अगर हम बजाते एक इंसान ह्यूमन बीइंग देखें तो बहुत अच्छे इंसान हैं, एज ए बैट्समैन देखें तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है। लेकिन हमें जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत से पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। अगर शोएब मलिक का यूं समझ लें कि फॉर्म इतनी अच्छी थी या एज ए सीनियर उनका टीम में होना इतना ही ज़रूरी था तो हमें उन्हें कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा रखना चाहिए था। हमने अपने टीम का हिस्सा रखा मोहम्मद हफीज़ को। अगर देखा जाए तो शोएब मलिक से बहुत बेहतर एज ए सीनियर परफॉर्म करते हैं मोहम्मद हफीज़। मैं इंडिविजुअल स्कोर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं खेले, उन्होंने ये नहीं खेले। नो, हमें एक करिश्मा चाहिए होता है क्रिकेटर को भी, जूनियर्स को भी। शोएब मलिक का एक लॉन्ग कैरियर है, 1999 से जब से T20 शुरू हुआ तब से, 2005 में पहला T20 खेला इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ, मुझे याद है।
116 T20 मैचेस शुएब मलिक खेल चुके हैं, 31 की एवरेज के साथ इन्होंने रन भी बनाए हैं। लेकिन एक जो सीनियर का रोल होता है, जो जूनियर को साथ लेके चलता है और जूनियर्स को गाइड करता है, और चाहे वो कैप्टन हो या ना हो, उसकी एक से नजर आती है। इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा, शाहिद खान अफरीदी कप्तान भी रहे, कप्तानी से हटे भी, हर वक्त आप उन्हें ग्राउंड में एक्टिव देखते थे, हर वक्त वो बॉलर्स को बकअप कर रहे होते थे, हर वक्त वो बॉलर्स को समझा रहे होते थे। अगर बैटिंग पे आते थे तो अपने साथ वालों को आल दो के, नो डाउट, ये सबको पता है कि बैटिंग में हमें बहुत कम उम्मीद होती थी कि शाहिद खान अफरीदी स्टे करेंगे, लेकिन हमें एक रोल नजर आता था कि वो अपने जूनियर्स को सिखा रहे थे, उनमें एक एबिलिटी थी कि वो टीम को लेकर चलते थे। सेम एबिलिटी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज में भी है कि अगर हफीज टीम का हिस्सा हो तो वो अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं, इवन हफीज कैप्टन को भी गाइड करते हैं। सेम यही फिनोमिना जो है ये सरफराज के साथ भी है। सरफराज कैप्टन हो या ना हो, विकेट के पीछे सरफराज खामोश नहीं होता। सरफराज हर वक्त बॉलर्स को भी बैक करता रहता है, समझाता रहता है, यहाँ बॉल करो, यहाँ बॉल करो। ये चीज हमने शुएब मलिक में नहीं देखी। शुएब मलिक अगर कभी समझाएं भी तो उनके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे डिलाइट से होते हैं कि जैसे जूनियर को कह रहे हो चलो यार कर लो कुछ। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त, अब सिलेक्शन हो गई है, हम इसको बैक करेंगे, लेकिन मुझे हमेशा की तरह एतराज है कि शुएब मलिक के बारे में एक आम राय पाई जाती है डोमेस्टिक में, ये बहुत बेरहम बैट्समैन होते हैं जो बॉलर की जरा भी इज्जत नहीं करते, यानी कि बहुत जबरदस्त शानदार बैटिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल में जाते हैं तो ये फौरन से एक शेल में आ जाते हैं। हालांकि ये सीनियर प्लेयर्स हैं, इन पे तो इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। और आपको एक इनका प्लस पॉइंट भी बताता जो शुएब मलिक का मुझे याद आ गया है, PSL का लास्ट PSL का फाइनल, कितना कॉन्फिडेंस थे शुएब मलिक, और उन्होंने एक तरह से मुल्तान सुल्तान से वो मैच छीन लिया था। आप ये देखें कि ये होती है सीनियर की मतलब एक एक्सपर्टीज, कि मतलब वो एक मैच जो कंफर्म हो चुका था कि मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा, लेकिन शुएब मलिक ने उसको मुकम्मल तौर पर छीन चुके थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास तीन ओपनर है, एक फखर जमान, एक हमारे पास बाबर आजम, एक हमारे पास रिजवान है, और शकील खान को हम छोड़ के आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी सच्ची स्कोर बिल्कुल बहुत 85 बनाए हैं, तो शकील खान ने 100 किया है। कल का बयान है शाहिद अफरीदी का जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ओपनिंग जो है ना शकील खान और उससे करवानी चाहिए फखर जमान से। देखिए ये बात तो हर क्रिकेट एक्सपर्ट मानता है कि बाबर आजम जनरली नंबर 3 पे बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और वो खेलते रहेंगे, कि अगर उन्हें एक स्टेप डाउन करना पड़े तो नंबर 3 पे बाबर आजम हमारे पास दी बेस्ट ऑप्शन है। वो बहुत कॉन्फिडेंस प्लेयर है और बहुत कॉन्फिडेंट है। कवर ड्राइव तो बाबर आजम से ज्यादा बेस्ट कोई खेल ही नहीं खेल सकता। कवर ड्राइव हो, एक चाय का कप हो, चिप्स हो, और बाबर आजम की बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें हमारे पास प्रोफेसर है मोहम्मद हफीज साहब, वो रन रेट को लेके चलते हैं, रन रेट को इंक्रीज करते हैं। मलिक जैसी सिचुएशन की आपने बात की, क्या हर मैच में ऐसी सिचुएशन होती है? नहीं बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई मैच फंस जाता है तो नो डाउट हमारे पास ऐसा प्लेयर और कोई नहीं है जो नर्व्स को संभाल के रखे सिवाय बाबर आजम और रिजवान, क्योंकि रिजवान ने जितनी जल्दी खुद को बेहतर किया है और जितनी जल्दी नाकदीन का मुंह बंद किया है, बहुत ही हम्बल प्लेयर। लास्ट उनका कल एक बयान है, वो मैंने सुना बयान उनका, वो कह रहे थे, उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि अगर फखर जमान से ओपनिंग करवाई जाए तो क्या आप कुर्बानी देंगे, तो रिजवान ने कहा कि मैं अपनी टीम के लिए स्पिन बॉलिंग भी कर सकता हूं, आप मुझसे जो कुर्बानी की डिमांड इवन सिर्फ फील्डिंग भी करवाएं तो मैं वो कर सकता हूं। सिर्फ अपने मुल्क के लिए जी, ये टीम मैन, ये होता है टीम मैन। हर दफा आपने भी डिस्कस किया कि शुएब मलिक ने बहुत सारे वर्ल्ड कप खेले, एक इनिंग्स हमें याद पड़ती है चैंपियंस ट्रॉफी की सेंचुरियन जिसमें उन्होंने 128 इनिंग खेली, और माशाल्लाह उनके साथ मोहम्मद यूसुफ थे 87, हमने इंडिया को एक बड़ा टारगेट सेट करके दिया, यादगार की भी है, एक इनिंग इनकी T20 में भी यादगार है। लेकिन होता हर दफ़ा यही है कि वर्ल्ड कप के करीब आके शुएब मलिक सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो टीम का हिस्सा होते हैं। या तो ये कंसिस्टेंटली टीम का हिस्सा होना चाहिए ताकि एक प्लेयर में कॉन्फिडेंस हो। अच्छा, अब सिर्फ ये बात नहीं कि हम इनके ऊपर तनकीद करना चाहते हैं, हमें असल मसला सिस्टम से है। अब आप 40 ईयर्स ओल्ड हैं, शुएब मलिक
39 ईयर्स ओल्ड हैं मोहम्मद हफीज, 33-35 साल की उम्र में आजकल क्रिकेटर रिटायर हो रहे हैं, और हमें कोई यंग टैलेंट में ऐसा स्टफ नहीं मिल रहा है कि इन्हें रिटायर होना पड़े। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे जो बॉलिंग कोच नए आए हैं उनकी एज इन दोनों से कम है, इन दोनों से कम है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन अफ्रीका के जो लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी एबिलिटीज क्या है। बिल्कुल, नाम फ्लैंडर जिस वक्त वो टेस्ट में ज्यादा बहुत अच्छे पेसर, टेस्ट बहुत ज्यादा खेले हैं, वो वनडे भी बहुत कम खेले हैं, T20 तो ना होने के बराबर है, बट बॉलर के लिए T20 है ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बॉलर के लिए मैटर करती है कंडीशंस, बॉलर के लिए मैटर करता है बैट्समैन। फ्लैंडर जिस किस्म की टेस्ट में बॉलिंग किया करते थे, अकेले ही 7-8 खिलाड़ियों को बुला के खेल रहे होते थे, अगर वो इस तरह से डिलीवर भी कर पाए जैसे हमारे अजहर अहमद ने किया, नो डाउट आप कुछ लोगों से उनका क्रेडिट नहीं छीन सकते। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, बॉलिंग बहुत ज्यादा बिल्कुल आप क्रेडिट नहीं ले सकते। मुल्तान सुल्तान कब जीता है, कोच अजहर अहमद आप उनसे क्रेडिट नहीं, हमें अपने लोगों को भी लाना चाहिए। उम्मीद करते हैं रमीज राजा साहब वर्ल्ड कप में भी अजहर अहमद बॉलिंग कोच थे, बहुत अच्छा टीम ने मतलब कमबैक किया था, बहुत जबरदस्त कमबैक किया था, तो पॉइंट्स टेबल्स के ऊपर बात आ गई थी कि मुश्किल से पाकिस्तान बाहर हुआ, और पाकिस्तान वैसे सेमीफाइनल में चला जाए तो फाइनल तक तो लाजिम मिसाई कर ही फिर हो जानी थी इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि ये वर्ल्ड कप हम जीते इंशाल्लाह। यहां शेर मलिक के साथ एक नाइंसाफी भी होती रही है, मैं थोड़ा सा ये भी आपसे शेयर करता चलूं। शेर मलिक दुनिया का शायद वाहिद ऐसा बैट्समैन है जो नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक हर नंबर पे खेला है, कभी भी टीम में शेर मलिक का नंबर फिक्स नहीं। शेर मलिक 20 साल क्रिकेट खेल गया है, सबसे ज्यादा ड्यूरेशन खेलने वाले प्लेयर्स में 5th नंबर पे है, इनसे पहले नंबर पे टेंडुलकर है, दूसरे पे सनत जयसूर्या है, सनत जयसूर्या के अलावा इनमें क्रिस गेल आ जाते हैं, क्रिस गेल के अलावा एक प्लेयर और है, फिर हमारे पास नंबर जवेद मियादाद के बाद 5वें नंबर पे शोएब मलिक है जिनका लॉन्गेस्ट कैरियर, यानी एक दो साल और मजीद खेले तो ये शायद पहले नंबर से भी आगे आ जाए। लेकिन अगर हम टॉप प्लेयर्स को देखें, चले जवेद मियादाद तो 1996 में रिटायर हो, लेकिन अगर टेंडुलकर जयसूर्या और आप क्रिस गेल को देखें तो इतने लंबे कैरियर के साथ उन्होंने रन का एक पहाड़। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली शेर मलिक ये नहीं कर सकते, एक बड़े स्टार बन सकते थे अर्ली एज में, जिन्होंने बहुत ही टीनेजर थे जिस वक्त सेलेक्ट हो गए, एक बड़ा रिकॉर्ड बन सकता था। मेरे ख्याल में उनकी सलाहियतों पे किसी को कोई शुबा नहीं है, एक मामला उनका टीम में फिक्स प्लेस का ना होना, नंबर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी बैट्समैन के। आप देखें रिकी पॉन्टिंग कितना अर्सा ओपनिंग करते रहे, कुछ और उन्होंने ओपनिंग की है और ज्यादा अर्सा वो नंबर 3 पे खेलते रहे, इसी तरह हमारे मिडल ऑर्डर पे खेलते रहे हैं इंतजाम अहमद साहब, मोहम्मद यूसफ, मोहम्मद खान, ग्रेट प्लेयर, और एक मुस्तकिल उनके पास पोजीशन होती पता होता था मैंने जाना है। शोएब मलिक के साथ अनफॉर्चुनेटली नंबर 10 के ऊपर भी ये बैटिंग करते रहे और ओपनिंग भी इन्होंने की, तो ये इनके साथ नाइंसाफी रही है। एक नाइंसाफी मेरे ख्याल में प्लेयर के साथ ये होती है कि जब आप पूरा सीजन उनको नहीं खिलाते, वर्ल्ड कप के ऊपर आगे आपने सेलेक्ट तो कर लिया, शोएब मलिक की ख्वाहिश थी कि मैं आखिरी वर्ल्ड कप खेलूं, लेकिन मैं आपको रमीज ये भी बताता चलूं 2019 का जब वर्ल्ड कप खेलने आए शोएब मलिक तो उन्होंने कहा था मेरा लास्ट वर्ल्ड कप होगा, बिल्कुल ऐसे लास्ट T20 वर्ल्ड कप भी जो उन्होंने खेला उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि हो सकता है ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप हो, लेकिन ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप नहीं साबित हुआ। अभी के लिए उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, वो फिटनेस पे तवज्जो दे रहे हैं, शायद उन्हें नजर आ रहा है कि नए आने वाली लॉट में कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो मुझे इजीली रिप्लेस कर सके। अच्छा, मिडल ऑर्डर खासा मसला रहा है पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर ऐड हो गए हैं वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, तो आपको क्या लगता है हमें ओपनिंग का, तो एक मुसलसल एक अरसे से जब से रिजवान और बाबर आया इशू नहीं रहा और बहुत अच्छा टोटल करके देते रहे, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी रही, लेकिन कुछ लोगों को ये भी एतराज था कि इनका एवरेज जो है ना स्कोर वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब ये 10 ओवर मुसलसल ये खड़े होते हैं तो उनको लोग ये चाहते हैं कि ये 10 की एवरेज पे ले जाए, लेकिन जबकि ये 80-85 की रेंज में ले जाते हैं अगर ज्यादा अच्छा एग्रेसिव होकर भी खेले। रमेश आप जानते हैं कि हमारे सिस्टम का हमेशा से मसला रहा है, कभी हमारे पास बेहतरीन ओपनर होते थे ऑलराउंडर्स का मसला होता है, कभी हमारे पास ओपनिंग का एक लंबे अरसे तक मसला रहा है, बड़ी मुश्किल से जाके ये मसला सॉल्व हुआ जबकि बाबर और रिजवान ओपनिंग पे आए। जब हमारी ओपनिंग ठीक होती है तो हमारा मिडल ऑर्डर खराब हो जाता है, मिडल ऑर्डर ठीक होता है हमारा फिनिशर खराब हो जाता है, ऑलराउंडर खराब हो जाते हैं,
तीन शोबे ठीक होते हैं तो बॉलिंग ठीक नहीं होती, बॉलिंग ठीक हो जाती है तो ओपनिंग खराब हो जाती है। करंटली मैं हैरान हूं कि हमें ड्रॉप करना पड़ गया फखर जमान को। बिल्कुल, फखर जमान को 193 की इनिंग खेल रहा है इंडिया के खिलाफ लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो वो खेले बहुत अच्छा, उनसे हम कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुएब मलिक इतने हार्ड हिटर नहीं है, अगर उन्हें रोल मिले डेथ ओवर में आके क्लीन हिटिंग करने का तो नहीं कर पा, नहीं कर पा। इवन के मैंने ये भी देखा है अगर उन्हें फुल टॉस मिलती है ना तो 4 या 5 फुल टॉस मिले तो एक पे छक्का लगेगा, अदरवाइज वो उसे गैप निकाले। हाँ नो डाउट शुएब मलिक कट शॉट्स बहुत जबरदस्त खेलते हैं, बहुत जबरदस्त खेलते हैं, लेकिन T20 में हमें थोड़ी सी अग्रेसिवनेस होती है। और लेकिन आप ये देखिए फखर को अगर ड्रॉप किया गया है उसकी भी रीजन थी कि उनको उनके प्रॉपर नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा, नहीं खिलाया, ठीक है। अगेन मैं वही बात करूंगा कि बाबर आजम नंबर 3 पे खेलते रहे हैं, बाबर को कुर्बानी देनी पड़ेगी। देखिए हमने शरजील खान को भी बिठा दिया, हमने फखर को भी बिठा दिया, सिर्फ 2 बंदों की ओपनिंग की खातिर हमने मिडिल ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया। हमारा मिडिल ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ हैदर अली, पहले भी हमने एक दफा सेलेक्ट किया, आपको याद होगा अभी कुछ सीनियर क्रिकेटर्स ने बयान किए थे कि आपने प्लेयर्स को कबल अज वक्त उन्हें आपने इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया है और ये उनके साथ भी नाइंसाफी है, उनके कैरियर भी तबाह होंगे और आपके साथ भी नाइंसाफी। और मुझे लगता है कि इन्होंने डेब्यू धोनी को भी इस वजह से नहीं करवाया। बिल्कुल, ये ले गए थे 2 दफा ले गए 3 दफा ले गए लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। लेकिन जो आजम खान और हैदर अली के साथ हुआ अभी, क्योंकि वो अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं जब उनकी होम सीरीज होती है तो उसमें न्यू प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट भी नहीं हो रही, हमारे लिए तो फिर एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसाले हैं। लेकिन जब ये छोटी टीमों के साथ खेलने के लिए जाते हैं जैसे कि जिम्बाब्वे हो गई, वहाँ पर इनको ट्राई करनी चाहिए इस तरह के प्लेयर्स को। डेफिनेटली वहाँ पर ना सिर्फ ट्राई करना चाहिए बल्कि कॉन्फिडेंस, असल में प्लेयर की काउंसलिंग नहीं हो रही मुझे लग रहा है। अगर मैं प्लेयर को बिठा के बताऊं कि भाई तुम हमारे प्लान का हिस्सा हो, तुम्हें हमने अगले 4-5 साल क्रिकेट खिलानी है, अगर हम तुम्हें इस टूर में ड्रॉप कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी रीजन ये है कि अभी तुमसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तुम्हें इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है, अभी तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा फ्लॉप प्लेयर दे रहा है। असल बात यही है जिसकी वजह से असल में जो प्लेयर है ना वो खुद कंफ्यूज है, क्योंकि PSL हो रहा होता है, नए बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा होता है, तो वो हर खिलाड़ी को यही होता है कि हम परफॉर्मेंस देंगे तो इन रहेंगे, नहीं देंगे तो और बहुत सारा टैलेंट सामने आ रहा होता है। अच्छा अनफॉर्चुनेटली रवीज टैलेंट भी बहुत सारा सामने नहीं आ रहा। आप देखें क्या, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या इस वक्त रिजवान और बाबर की रिप्लेसमेंट आप दे सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या इस वक्त आप फखर जमान की रिप्लेसमेंट दे सकते हैं? इस तरह का प्लेयर अभी तक नहीं आया। अगर इस वर्ल्ड कप के बाद शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज रिटायरमेंट ले लेते हैं, आप इन दोनों की हमें रिप्लेसमेंट दे सकते हैं? मोहम्मद हफीज जैसा ऑलराउंडर हमें मिल नहीं सकता, लास्ट टाइम जो उन्होंने बॉलिंग करवाई हमें, जो सबसे ज्यादा एज होगा बॉलिंग का, मीडिया से रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि बहुत अरसे से मोहम्मद हफीज बॉलिंग नहीं कर रहे थे। बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे थे, उसकी रीजन ये थी कि ICC अक्सर मोहम्मद हफीज के बॉलिंग एक्शन के लिए, तो ये टीम मैनेजमेंट की एक प्लानिंग थी कि मोहम्मद हफीज मुसलसल प्रैक्टिस करते रहे, बॉलिंग हम इनसे वर्ल्ड कप में करवाएं। बिल्कुल, ताकि हम बेनिफिट उठा सकें, अगर ICC कोई एक्शन लेता भी है तो 2-3 मैच ही खेल जाएंगे, हमें बेनिफिट दे जाएंगे। और लेफ्ट हैंडेड को तो आउट करने में वैसे ही बहुत मशहूर समझे जाते हैं, काबिल माने जाते हैं मोहम्मद हफीज। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी थोड़ा सा गलत हुआ क्योंकि प्लानिंग के खिलाफ गए, क्योंकि हम मैच हार रहे थे बुरी तरह से, तो हमने फिर उसको इंट्रोड्यूस करवाया और वाकई परफॉर्म किया। यहाँ पे परफॉर्म ना करते तो आप सोचे वर्ल्ड कप में अचानक से अगर यही परफॉर्मेंस सामने आती तो हमारे लिए कितना सरप्राइज होता, और खिलाड़ी दूसरी टीमों के लिए भी सरप्राइज होता और उनको संभलने में थोड़ा टाइम लग जाता क्योंकि मोहम्मद हफीज की अचानक एंट्री होती है। अच्छा, जो स्पिन की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास एक प्रॉपर जो स्पिनर की क्वालिटीज होती है इस तरफ का कोई स्पिनर नहीं है, चाहे शादाब है चाहे जो है ना हमारे पास दूसरा स्पिनर है मोहम्मद हफीज, चले अच्छा इन है लेकिन प्रॉपर एक स्पिनर जो है ना वो जरूरी था। प्रॉपर स्पिनर के तौर पे तो शुएब मलिक भी आए थे लेकिन कप्तान बनने के बाद जब कप्तानी से हटे उसके बाद से उन्होंने बॉलिंग पूरी की खास नहीं की। शादाब जिस वक्त आया है ये चैंपियंस ट्रॉफी 2017 खेला है 2018 खेला है तो हमें लग रहा था कि ये एक लेजेंडरी स्पिनर बन जाएगा, लेकिन उसको किसी ने समझा दिया कि भाई आप तो बहुत अच्छे बैट्समैन हो। मुझे लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि शायद अब वो बॉलिंग में कम तवज्जो देते हैं और बैटिंग में ज्यादा तवज्जो देते हैं।
जबकि वो बहुत अच्छे बॉलर थे, बहुत अच्छे बॉलर थे और जहीन बॉलर थे। मोहम्मद आसिफ के बारे में क्या आपके ओपिनियन है? एक दफा फिर उसको बल्कि वर्ल्ड कप में मौका दिया जा रहा है, बल्कि बहुत अच्छे हिटर है और ये सोचा जाता था कि शाहिद अफरीदी के बाद अगर उस उनकी जगह पे कोई प्लेयर आ सकता है तो मोहम्मद आसिफ आ सकता है। देखें हमारे यहाँ ये भी एक बहुत मसला पाया जाता है, मसाइल नहीं कहूँगा मसला पाया जाता है, कोई भी प्लेयर आके एक दो मैचेस में परफॉर्म कर देना, हम उसे किसी ग्रेड के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं होता, ये उन प्लेयर को भी ख़राब कर देता है। मेरे ख्याल में अगर अभी तक हमें कोई बेहतरीन बैट्समैन मिला है तो वो बाबर आजम है, जिसके ऊपर हम एतमाद भी कर सकते हैं, हम किसी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं और उसके स्टैट्स ये बात बताते भी हैं। अभी तक के लिए फास्टेस्ट 2000 रन उसी के हैं, बिल्कुल, और वनडे में भी इवन उसी के हैं, T20 में भी उसी के हैं। जब मैंने आया तो उन्हें विराट कोहली के साथ कंपेयर किया गया तो उन्होंने, बाबर आजम ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं विराट कोहली के साथ मैं कंपेयर नहीं होता, मैं जस्ट बाबर आजम हूँ और मैं अपना मुकाबला खुद हूँ। और अब बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ रहा है विराट कोहली, इसका मतलब है कि उन्होंने ये समझा कि मैं बाबर हूँ, मैं कोहली से भी बेहतर हो सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। आसिफ अली की जहाँ तक बात है तो अभी मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था तो इन्होंने कैरिबियन लीग में एक टीम को छोड़ा रिसेंटली, लीव किया, तो उस टीम के शायकीन ने इस बात पे खुशी मनाई कि इस प्लेयर ने हमें छोड़ दिया। अब आप ये देखिए, और मेरे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी एम्बेसमेंट मोहम्मद आसिफ को आई डोंट नो पर्ची भी कहा जा रहा है, नहीं समझ आ रही, क्योंकि अगर वो PSL में देखें तो काफी बेहतर परफॉर्मेंस होती है सर। अगर जस्ट आप काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखते हैं तो कामरान गुलाम ने जो सेंचुरी भी बना दी है, शरीफ खान ने सेंचुरी भी बना दी है, तो कामरान गुलाम तो मिडल ऑर्डर खेला है आपने, तो आपके पास सुहेब मकसूद ने भी अच्छी इनिंग्स खेल ली थी। आसिफ अली को लाने का मकसद था शाहिद अफरीदी की रिप्लेसमेंट। PSL के एक मैच में जो 4 छक्के मारे उसके अलावा आप देखें कि इन्होंने चांसेस कितने लिए, कितने मैचेस खेले और कितने जितवाए। शाहिद अफरीदी नो डाउट वो ग्रेट बॉलर थे, वो ग्रेट बैट्समैन भी थे, बहुत अच्छे, वो बैटिंग में अगर परफॉर्म नहीं करते थे बॉलिंग में परफॉर्म, उन्होंने बहुत सारे हमें जो है इनिंग्स जो मैच हारे हुए जीत के थे, और ये भी नहीं होता था कि लगातार 20-25 मैच शाहिद अफरीदी खेला ही नहीं, वो 3-4 मैचेस के बाद ये कभी अच्छी अच्छे वो दिखाते थे, एक प्लेयर जो है वो नजर आता है, प्लेयर इनिंग खेल जाता है। अच्छा अब अगर मैं कहूँ कि हारिस रऊफ वर्सेस धानी तो आप इस बारे में क्या करेंगे? देखें धानी नो डाउट एक अमेजिंग टैलेंट है, अमेजिंग, और लेकिन हमने उन्हें इंटरनेशनल नहीं खिलाया, डायरेक्ट वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस करवा दें, और दो के कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे, शहीद तनवीर मोहम्मद आमिर जी ने भी वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस करवाया और कुछ आ गए, हो सकता है कि हमारा सरप्राइज पैकेज धानी भी हो सकता था। हारिस रऊफ बहुत अच्छे बॉलर हैं, बड़ी पेस है, अच्छे यॉर्क करते हैं, लेकिन इन दिनों थोड़े से ऑफ कलर है, तो स्कोर बहुत खराब है, स्कोर भी दे रहे हैं थोड़े ऑफ कलर भी हैं, तो चांस लिया जा सकता था, रिजर्व में रखा है, हो सकता है अगर हारिस रऊफ एक दो मैचेस में परफॉर्म ना करें तो हम उनको तो रिप्लेस कर सकते। जो मुझे शोएब अख्तर के बाद अच्छे बाउंस देखने को मिले और वो जो एनर्जी देखने को मिली वो धानी में देखने को मिली, नो डाउट धानी की लाइन एंड लेंथ और धानी का बैट्समैन को चैलेंज करना, थोड़ा सा बैट्समैन को चेक करना, लो अपने आप को चेक करो, चेक करो, ये नो डाउट धानी आगे बॉल भी अच्छा करता है, पीछे भी अच्छा करता है, लेंथ बॉल तो बड़ा ही सोच समझ के, बहुत जबरदस्त एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, इंशाल्लाह हमारे लिए सर करेगा, बहुत टाइम पड़ा उसके लिए। बहरहाल बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि अब तो कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती, तो हमें जो भी टीम है हमारी उसको हमें पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए हर लिहाज से, ताकि उनका जो मोरल है वो बुलंद हो, बुलंद। और सरफराज की एंट्री के बारे में मैं भूल गया, सरफराज जो है ना हमारे रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर साथ जा रहे हैं और बल्कि मिडल ऑर्डर को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट हो सकती है। देखें सरफराज के बारे में अगर हम ये सब कहें कि वो टैलेंटेड नहीं है या उनमें टैलेंट की कमी है तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। आपने देखा था जिस वर्ल्ड कप में उन्हें खिलाया नहीं जा रहा था और जब खिलाया गया तो डेल स्टेन जो उस वक्त अपने कैरियर की पीक पे थे, उरूज पे थे बिल्कुल, और उस वक्त उन्होंने डेल स्टेन को स्वीप पे छक्के मारे थे, बिल्कुल ये नो डाउट। और अभी भी यही कहा जाता है कट शॉट्स खेलने में शोएब मलिक बेहतरीन बैट्समैन है, कट शॉट्स के तो बेहतरीन बैट्समैन, बेहतरीन बिल्कुल। और शोएब मलिक के बाद अगर हम पूछेंगे कि कट अच्छा कौन खेल सकता है तो हम कहेंगे सरफराज। अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि भाई इस वक्त टीम में बेहतरीन स्वीप कौन खेल सकता है, हम कहेंगे सरफराज। जिस तरह भी आपने बात की कि शोएब मलिक ने एक मैच PSL के फाइनल में बड़ा जबरदस्त फाइट किया,
आपको याद होगा जो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते उसमें जो हमें पिछला मैच श्रीलंका के साथ था वो सरफराज और मोहम्मद आमिर बिल्कुल बड़ी जबरदस्त मैच खेल के ले गए थे। सरफराज ने अपने साथ कुछ ज्यादा की है कि जब वो कप्तान बने तो उन्होंने अपनी बैटिंग पे तवज्जो देना कम है कम कर दिया बिल्कुल। मेरे ख्याल में वो स्ट्रॉन्ग कैप्टन बन चुके थे और शायद यही वजह है कि वो ड्रॉप भी हुए और दो के लोग उनको जोड़ते हैं वकार यूनुस और मिसबाह उल हक के साथ और शायद वो किसी हद तक ठीक भी हो क्योंकि जैसे वकार यूनुस और मिसबाह उल हक ने रिजाइन किया है सरफराज की एंट्री टीम में हो गई है ये अल्लाह बेहतर जानता है लेकिन जितने भी मैचेस हैं सबसे सक्सेसफुल जो कैप्टन उनको ऐड करने का मुझे मकसद यही नजर आता है कि बाबर आजम उनसे जूनियर है बाबर आजम को वो साथ खिलाते रहे हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में अंडर 19 वर्ल्ड कप से ये टीम मेट सर तो ये खिलाते भी रहे हैं तो सरफराज एक ऐसा विकेट कीपर है जो खामोश नहीं होता बिल्कुल और एक ऐसा विकेट कीपर है जो अपनी टीम को आखिरी वक्त तक गिरने नहीं देता तो मेरे ख्याल में उनको ऐड इसीलिए किया गया होगा कि वो टीम को एक तो मोटिवेट किया रखे और दूसरा बाबर के साथ एक जैसे सीनियर मशवरा देते हैं बाबर के साथ एक सीनियर को ऐड किया जाए जो कि टीम को बूस्ट करे। दूसरा लॉन्ग टूर्नामेंट है तो एक रिजर्व विकेट कीपर का होना बहुत जरूरी है क्योंकि खुदा ने कहा अगर रिजवान अनफिट हो जाता है तो एक रिजर्व जरूर हमारे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे नजर यही आ रहा है कि सरफराज बाहर बैठ के बैठेंगे नजर यही आ रहा है रिजवान बहुत अच्छा विकेट कीपर है इसमें कोई शक नहीं है बाकी सरफराज को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर उसने जगह बना लिया रिजवान एज ए बैट्समैन खेल सकता है नो डाउट लेकिन अगर हम सरफराज को एज ए कीपर ऐड करते हैं तो हमें बैटिंग में भी कुछ चाहिए बिल्कुल अगर ये बैटिंग नहीं करते तो हम कीपिंग तो रिजवान से भी करवा सकते हैं और हमें एक एक्स्ट्रा बैट्समैन अगर रिजवान और सरफराज दोनों टीम में हो अगर फर्स्ट करें किसी मैच में है तो फिर कीपर बेस्ट कौन रहेगा। देखिए मैं कीपर की तो बात नहीं करूंगा नो डाउट सरफराज भी अच्छा कीपर है और रिजवान बहुत अच्छा कीपर दोनों ही बहुत अच्छे कीपर हैं मैं ये बात करूंगा कि अगर दोनों ही टीम में हो तो ऐसे फील्डर कौन अच्छा रहेगा। हाँ ये बात तो मेरी नजर में रिजवान एज ए फील्डर बेहतरीन रहेगा उसने साबित किया है बड़ी जबरदस्त इवन जब सरफराज कैप्टन था तब भी अगर कभी रिजवान को खिला लेते थे तो हम ये कहते थे उसको बैटिंग बहुत अच्छी नहीं कर रहे थे लेकिन हम ये कहते थे कि बैटिंग करें ना करें फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं ये लड़का जान मारता हुआ नजर आता है ये लड़का जान मारता हुआ नजर आता है तो मेरे ख्याल में अगर ये दोनों खेलते हैं तो आप फील्डिंग पॉइंट पे बहुत जबरदस्त मिलेगा। अच्छा फास्ट बॉलिंग की तरफ अगर आप जाएं तो हमारे पास शाहीन और आपको पता है कि साथ उनके जो है ना हसन अली हैं बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं तो उनका साथ देने के लिए आपको क्या लगता है वसीम जूनियर या फिर वो होंगे हारिस मुझे लग रहा है कि इब्तदा में हारिस रऊफ को देखा जाएगा इब्तदा में हारिस रऊफ को ट्राई किया जाएगा एक दो मैचेस में अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो फिर वसीम जूनियर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा क्योंकि हारिस रऊफ का पहले से खेलने का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप में नर्व्स की गेम होती है तो मुझे ये लग रहा है कि पहले हारिस रऊफ को चार्ज किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी को तो जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया था कि आप वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं आप विकेट टेकर बॉलर हैं बिल्कुल अगर आप रन कंसीड करते हैं आप इसकी टेंशन नहीं आप विकेट्स पे जाएं आपका काम है विकेट लेके देना बिल्कुल जो शाहीन अफरीदी और आपको पता है कि अगर विकेट्स जाएं तो पूरा मैच का पलटा ही वो पासा पलट जाता है बस ये रन इनटू बॉर्डर विकेट्स बिल्कुल बॉर्डर पास होता है हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बिल्कुल जब वे बख्तर शुरू में ऊपर वाले दो तीन अगर उड़ा देते थे बिल्कुल बड़ा फर्क पड़ जाता है आसिफ मैं उनका जिक्र ना करना ना ये साफी और मेरा नहीं ख्याल था मैं उनसे अच्छा बॉलर कोई मिल सकता है लेकिन हमने बर्बाद किया है बहुत से हीरे बर्बाद किए अब्दुल रजाक बर्बाद किया है लाल नजीर शुएब अख्तर को भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले तो टीम मैनेजमेंट अब कुछ बेहतर नहीं है आपका मुझे रमीज राजा साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीद है अच्छा और मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबर आजम ने टीम सिलेक्शन पर अप्रोच किया कि मेरे खिलाफ फ्रेंड टीम में नहीं है तो उन्होंने कहा कि आप फ्रेंडशिप छोड़े और अपने गेम में तवज्जो दें बहुत अच्छा लगा बहुत ऐसा ही एक ऐसा ही होना चाहिए पाकिस्तान के लिए खेलें पाकिस्तान के लिए जीते और पाकिस्तान के लिए ये जो भी डिसीजन लेना हो पाकिस्तान के लिए ले और इंशाल्लाह अब जो भी टीम है हमारी पूरी सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और जो पूरा स्क्वाड जा रहा है पूरे स्क्वाड मिलके एक टीम वर्ल्ड के जरिए पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह कप लेके आए 2021 का वर्ल्ड कप इंशाल्लाह हमारा हो। थैंक यू सो मच अरसलान साहब मैं दुआ करता चलूं बिल्कुल कि मैं उम्मीद करता हूं कि शुएब मलिक अपने नाकदीन को गलत साबित करें इंशाल्लाह अल्लाह करे वो हमें गलत साबित करें
वो परफॉर्म करें। अगर वो परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान परफॉर्म करता है, हमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चाहिए, हमें सारे प्लेयर हमारे अपने हैं। बिल्कुल, अब हमने सिर्फ इन्हें सपोर्ट करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच अरसलान साहब, आप हमारे इस शो का हिस्सा रहे और आपसे बात करके बहुत बहुत सारी चीज़ों में हमें जो है ना क्लियरिटी हुई और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई। इंशाल्लाह आप भी नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानत।